बड़ी खबर आपको बता दें, अमित मालवीय ने शेख शाहजहां के बहाने ममता बनर्जी पर हमला किया। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें लिखा कि गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के हाव भाव बदलने लगे। अमित मालवीय ने कहा कि बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट के बाहर बेटी और पत्नी को देखकर शेख शाहजहां रोने लगा। ये वीडियो ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भावुक अंदाज में नजर आ रहा है शेख शाहजहां, आंसू उसके छलकते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ट्वीट किया अमित मालवीय ने और साथ साथ ये लिखा है कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है, उसके हाव भाव अब बदलने लगे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट के बाहर बेटी और पत्नी को देखकर शेख शाहजहां रोने लगा और ये बाकायदा वीडियो शेयर किया है अमित मालवीय। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्वैग गायब हो गया, ममता बनर्जी का पोस्टर बाय, बलात्कारी शेख शाहजहां एक गमगीन बच्चे की तरह रो रहा है, अपराधी अनुव्रतो मंडल जेल में है, शौकत मौला, जहांगीर खान और दूसरे आरोपियों का ऐसा ही हाल होना जिन्होंने पूरे बंगाल में आतंक का राज फैलाया, जब कानून की पकड़ में आएंगे तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, निश्चित तौर से ममता बनर्जी भी नहीं, वो अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकती है, घड़ी चल रही है, ये एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने।